सड़कों पर फर्राटा भरती बीएमडब्ल्यू कार को शान की सवारी समझा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इन गाड़ियों से कचरे की ढुलाई होते देखी है? राजधानी रांची में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। रांची में हीनो इलाके के निवासी प्रिंस श्रीवास्तव इन दिनों अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी से कचरा ढोते दिख रहे हैं। इतनी महंगी कार से कचरा क्यों ढो रहे हैं? ये सवाल पूछने पर प्रिंस श्रीवास्तव ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल 1.5 साल पहले उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार खरीद कर अपने पिता को गिफ्ट की थी। जब ये कार खरीदी गई थी तब डीलर ने सर्विस का पूरा भरोसा दिलाया था, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रिंस की कार खरीदने के एक पखवाड़े के अंदर ही कार का टायर ब्लास्ट कर गया और महीने भर के अंदर ही दूसरा टायर भी फट गया। डीलर ने रिप्लेस करने की जगह स्टेफनी को इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसके बाद गाड़ी में दूसरी अन्य समस्याएं भी आने लगी। सर्विस सेंटर है उन लोगों ने, मेरा गाड़ी मैंने खरीदा है और 10 दिन में आपको चक्का फट गया। आपको पहला सेकंड चक्का फटा आपको 20 दिन के बाद, दो चक्का फट गया आपको लाइक फर्स्ट 50 डेज में। आपको एक्सल गाड़ी का बैंड मिल गया, एसी काम करना बंद कर दिया, हैंड ब्रेक का मोटर फेल हो गया। आपको टोटल मैंने आपको 2.5-3 लाख रुपये पेमेंट कर चुका था। 2.5-3 लाख के बाद उन लोगों ने आपको मुझे बिल बना के देते थे। मैं जब पूछ रहा हूँ कि भाई बिल किस चीज़ का है, आप कोई भी इंसान आपको बिल पकड़ाएगा पूछेंगे तो किस चीज़ की बिल है, वहाँ पर वो डाल देंगे कोड, लेबर कोड, कोड किस चीज़ का, मतलब क्या चीज़ का लेबर काम कर रहे हैं पूछने थे, वो लोग जवाब नहीं देते। आप जाकर बात कीजिए अकाउंट्स में, आप बात कीजिए सेल्स वाले से, आप बात कीजिए परचेज वाले से, तो हमेशा घुमाइए लोग। इतना परेशान किए 1.5 साल में कि 1.5 साल में मेरी गाड़ी आपको आज का दिन मिला करके 380 दिन मेरी गाड़ी आपको सर्विस सेंटर में रही है। तो ऐसा गाड़ी को लेकर क्या फ़ायदा? इस गाड़ी को आपको अगर स्टार्ट करने के लिए 8 लोग को धक्का देना पड़े, उसका एसी काम नहीं करे, आपको हैंड ब्रेक काम नहीं करे, उसमें पूरा नहीं देखे तो क्या करेंगे आप? तो आपने कभी भी कंपनी के जो ओनर हैं या नॉर्मल आपको जो कॉल्स होते हैं उसके रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास। इंफैक्ट आपको मैंने सुना था कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने पहले रिटर्न पहले ले लिया था। गाड़ी खरीदने के पहले मैं रिटर्न में ले चुका था कि इसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उन्होंने कमिट करके प्रॉब्लम नहीं होगा। आई हैव एवरीथिंग इन प्रूफ, जितना प्रूफ चाहिए हर चीज़ का आई हैव दैट। प्रिंस गाड़ी की सर्विस से इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो अपने 90 लखटकिया कार से कूड़ा उठा रहे हैं। कामोबेश रांची में चल रही जितनी भी बीएमडब्ल्यू गाड़ियां हैं सभी में कुछ ना कुछ खराबी है और उनके ओनर परेशान रहते हैं, जिसके बाद सभी बीएमडब्ल्यू गाड़ियों के ओनरों के साथ मिलकर प्रिंस श्रीवास्तव आंदोलन की योजना बनाने जा रहे हैं। ये मेरे में कोई गलती आपको है कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये वीडियो जब मैं डाला आपको इंटरनेट पे, उसके बाद आपको मेरे ख्याल से 3-4 घंटे के बाद मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। रांची के ही आपको 2 दिन में 18 लोगों ने मुझे किया कॉन्टैक्ट कि वो लोग के साथ जो प्रॉब्लम है वो मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ में है, और वो लोग मेरे को रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर मैं कुछ लीगल एक्शन लेता हूँ वो मेरे साथ आएंगे। मैं आपको उसमें से एक मेरे को मेरे फ्रेंड ने ये आइडिया दिया है कि 18 लोग जो हैं अभी तक उनके शोरूम के बाहर ढोल नगाड़े के साथ सेम कचरा उठवाएंगे, और मैं इसी गाड़ी में उठवाऊंगा कचरा। मैं इस गाड़ी को रखा था कि मेरी ड्रीम कार थी, लेकिन क्या है कि देखिए इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे पता है कि मैं गाड़ियाँ बनने दूंगा कभी, अगर इस गाड़ी को भी वो लोग कबाड़ा ही करेंगे, मैं खुद से ही करके दे देता हूँ भाई।